हेलो गाइस एंड वेलकम टू फ्रंटियर गेमिंग। और मैं फिर से आ गया हूँ एक नए मार्वल रिलेटेड वीडियो के साथ। सॉरी, आज लगता है मेरे गले में मेंढक घुस गया है। तो खैर, पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो था मून नाइट के ऊपर। एंड गाइस, एक चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मून नाइट का जो रोटेशन है वो मैं कुछ सही तरीके से मैंने कर नहीं पाया था। एक्चुअली मैंने गलत रोटेशन यूज़ किया था, मुझे पता भी नहीं था। एंड मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे करेक्ट किया, बोला कि नहीं भाई, मून नाइट का जो रोटेशन है वो थोड़ा कुछ और टाइप का है, तो तू ऐसे यूज़ कर तो तेरा प्रॉक नहीं मिस होगा तो और तेरा स्कोर भी ज़्यादा होगा। तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू गाइज कि चलो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बताने के लिए। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक कुछ कार्ड्स के ऊपर है, क्योंकि डेढ़ साल बाद मैंने एक अपने दोस्त के साथ बात किया। वो भी पहले खेलता था, उसके बाद उसने गेम को लीव कर दिया। और डेढ़ साल बाद जब वो गेम में रिटर्न आया, तो रिटर्न आके वो बोल रहा है कि भाई मेरे कैरेक्टर्स को क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं गैलेक्टस क्लियर कर पा रहा हूँ और ना ही अदर जो कॉन्टेंट है उसमें, क्योंकि सभी में लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मेरे कैरेक्टर्स का बहुत वीक हो गया है। अब पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे कार्ड्स में 40% के ऊपर ऑल अटैक है, लेकिन फिर भी मेरा साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई अभी गेम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है, अभी बहुत से नए नए तगड़े तगड़े वर्ल्ड बॉस लेजेंड्स ऐड किए गए हैं, और साथ ही साथ जो गेम का लेवल है थोड़ा हाई कर दिया गया है। तो भाई अगर आप कार्ड्स के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो गेम में आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल ज़रूर करोगे, थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, क्योंकि अभी जो है सब कुछ कार्ड्स का ही खेल है। खैर, जो डॉर्मामू का GPR है वो तो खैर बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। और ऊपर से अभी एक नया वर्ल्ड बॉस लेजेंड ऐड हो सकता है, मे बी इन द नेक्स्ट अपडेट थॉर लव एंड थंडर वाला जो अपडेट आने वाला है उसमें शायद गॉड द गॉड बूचर को ऐड कर दे। पता नहीं यार, गॉड द गॉड बूचर आ गया तो क्या होगा। तो खैर कोई बात नहीं, तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमें कार्ड्स, एक कार्ड्स में अपना वाला एक कार्ड दिखाता हूँ। चलो इन्वेंटरी में अगर जाता हूँ वहाँ से जो कार्ड्स है, तो ये आप देख रहे हो कि ये रहा गाड़ी ऑफ द गैलेक्सी बेस्ट स्टोरी एवर #1 वाला कार्ड। तो आप देख रहे हो कि इस कार्ड में 2% का पियर्स मुझे मिल चुका है, लेकिन इसके जो स्टैट्स देखो, अय हाय हाय, देख के ही उल्टी आ रहा है, इतने बेकार स्टैट्स मिले हैं यहाँ पे। तो खैर, मैं ये 3 स्टार्स को तो मैं हटा नहीं सकता। और हाँ, सबसे पहले एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे हो कि जो लोग नए हो या जो लोग बहुत दिनों बाद रिटर्न करो, कि उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो ब्लू स्टार है इसका मतलब अगर आपके पास 3 ब्लू स्टार आते हैं तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडिशनल पियर्स डैमेज इंक्रीज, ठीक है। और अगर आपके पास 3 रेड स्टार आते हैं या आई थिंक रेड स्टार आता है तो आई थिंक कॉन्सेंट्रेशन होता है, और ग्रीन स्टार में आई थिंक रेजिस्टेंस होता है, आई थिंक ऐसा ही कुछ है शायद, मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ शायद है। तो खैर, अगर सबसे बेस्ट है कि 3 ब्लू स्टार, क्योंकि पियर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर PE कंटेंट की बात करोगे तो वहाँ पे पियर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। बहुत से बंदों का मैंने देखा है कि पांचों के पांचों जो कार्ड्स है उसमें 6 के 6 स्टार जो है वो ब्लू है, मीन्स 25% का उसके पास पियर्स है। तो क्या बताऊँ मैं, अरे यार ये मेढक कब मेरे गले से निकलेगा। सो सॉरी। तो खैर कोई बात नहीं, तो आप ये जो 3 ब्लू स्टार है, खैर ये ब्लू स्टार आप खो नहीं सकते, क्योंकि 2% का पियर्स अगर आपके कार्ड्स में रहता है तो आपके लिए सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जैसे अगर आप वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट या फिर जो हाई प्रोफाइल जो PvE कंटेंट खेलने जाओगे तो वहाँ पे ये पियर्स डैमेज बहुत ही मैटर करेगा, तो इसलिए आप पियर्स डैमेज को खोना नहीं चाहोगे। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कर सकता हूँ कि बाकी के जो रेड और ग्रीन स्टार है इनको मैं रोल कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है कॉम्बाइन और एक है क्राफ्ट कॉम्बाइन। तो कॉम्बाइन जो अगर करोगे तो उसमें क्या होता है कि आपके जो स्टैट्स है, मतलब ये जो नंबर्स है ये ऊपर नीचे होगा, या फिर आपका बोलते क्वालिटी जो है वो ऊपर नीचे होगा, चाहे वो 5 क्वालिटी का आ सकता है या 6 क्वालिटी या 7 या 1 या 2 या 3 ऐसा हो सकता है। और खैर, मैंने तो ऑलरेडी क्राफ्ट कर लिया, इसलिए क्राफ्ट वाला सेक्शन जो है वो अभी शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप क्राफ्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो वो जो क्राफ्ट करने के लिए आपको जो चीज़ें लगेगा वो है नॉर्मल 6-स्टार कार्ड्स। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पास इतने सारे नॉर्मल 6-स्टार कार्ड्स है, तो आपको लगेंगे टोटल 5 नॉर्मल 6-स्टार कार्ड्स।
उससे आप इसको क्राफ्ट इजीली कर सकते हो। और टोटल आपका, अगर आपके पास टोटल कार्ड्स की बात करूँ तो टोटल आपको 30 कार्ड्स लगेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कि आप क्राफ्ट करोगे तो टोटल 5-5 कार्ड्स लगेंगे और टोटल है 6 स्टार्स, तो उसके लिए आपको टोटल 30 या 30 नॉर्मल 6 स्टार कार्ड्स आपको लगेंगे। और अगर आप बात करो कार्ड फार्मिंग का, तो अभी कार्ड फार्मिंग बहुत ईजी हो गया है। इन्वेंट्री के साइड में जो क्राफ्ट वाला सेक्शन है वहाँ पर चले जाना, वहाँ पे जाके ये जो अपग्रेड वाला आइटम है यहाँ पे जाना, और यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 स्टार एंड 5 स्टार कॉमिक कार्ड। और इसके लिए आपको क्या क्या कर देना, क्या क्या है आपको देना है, डायमेंशन डेब्रिस, गियर अप किट, और उसके साथ आपको देना है फिनिक्स फेदर। या अगर आप फिनिक्स फेदर नहीं देना चाहते हो तो उसके बदले आप एम करंट क्रिस्टल भी दे सकते हो, जो कि मेरे पास बहुत है। फिनिक्स फेदर खैर मेरे पास कम है, तो इसका जो रेट है ये 10 टाइम्स आप कर सकते हो, या आप मैक्स भी इंक्रीज कर सकते हो, आप जितने बार चाहो कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका इन्वेंट्री कितना खाली है। अगर आपके पास इन्वेंट्री खाली है 700 में से अगर 600 या 500, आप ऑलरेडी 500 है 700 में से, तो इसका मतलब 200 और खाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स फार्मिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको 3 स्टार 5 स्टार कार्ड्स ईजिली मिल सकते हैं, ईजिली मिलेंगे। शायद 6 स्टार कार्ड भी मिलता होगा, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मिलता होगा यहाँ से 6 स्टार कार्ड। तो खैर कोई बात नहीं, यहाँ से आप इजीली कार्ड फार्मिंग कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके कार्ड फार्मिंग कर लो। और कोई अगर अच्छा कार्ड है, जैसे कि अगर मैं अपने कार्ड्स को दिखाऊं, तो मेरे पास देख रहे हो कि ये जो बेबी स्पाइडर वाला कार्ड है ये सबसे बेस्ट कार्ड है, अनकैनी एवेंजर या केबल वाला कार्ड जो तीसरा वाला कार्ड है ये, लूना स्नो कार्ड वाला भी बहुत ही धांसू है, अच्छा है, फाइट फॉक्स कार्ड बढ़िया, उसके बाद जैसे कि मैंने वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाला कार्ड दिखाया वो भी अच्छा है, हाइब्रिड वाला कार्ड है, ब्लैक पैंथर वाला एक और कार्ड है जिसमें ब्लैक पैंथर और एक और आई थिंक किलमोंगर दोनों फाइट कर रहे हैं, वो वाला कार्ड काफ़ी धांसू है, वो वाला कार्ड को भी आप क्राफ्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे स्टेट्स है। तो वैसे अच्छे अच्छे कार्ड्स को आप क्राफ्ट कर सकते हो, क्राफ्ट करके एक अच्छा स्टेट्स आप लाने की कोशिश करो। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 5 है क्वालिटी, लेकिन इसके जो स्टैट्स है काफ़ी अच्छे आए हैं, मैक्स एचपी, ऑल अटैक, अटैक स्पीड, कूल डाउन, एनर्जी अटैक, फिजिकल अटैक, लेकिन अगर ऊपर के जो स्टैट्स है यानी क्राफ्टिंग स्टैट्स जो है वो अगर सही आ जाते हैं तो मज़ा आ जाता। तो खैर इसके लिए अगर जब आप क्राफ्ट करोगे तो क्राफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक तो लगेगा आपके नॉर्मल 6 स्टार कार्ड्स, गोल्ड लगेगा, और साथ ही साथ आपको लगने वाले हैं क्राफ्टिंग क्यूब, जो कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मटेरियल्स में मैं जाता हूँ और मटेरियल्स में जाने के बाद ये वाला जो चीज़ है ये है कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब, तो आपको लगेंगे ये कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब। पहले तो ये कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब मिलता था GBR से, लेकिन अब आपको मिलेंगे कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब डायमेंशन रिफ्ट। खैर डायमेंशन रिफ्ट तो यहाँ पर बंद हो गया, ऑलरेडी मैंने खोल दिया था, तो खैर कोई बात नहीं, डेली डायमेंशन रिफ्ट आप खेला करो, तो डायमेंशन रिफ्ट से आपको वहाँ से मिलेंगे कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब। लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम वहाँ पे है कि 3 से 4 स्टेज तक आप जा सकते हो नॉर्मल कैरेक्टर के साथ भी, मतलब कोई भी कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 5 या 6 जो स्टेज है ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो डैमेज होता नहीं है, मैक्सिमम जो एनिमीज होते हैं उनके जो है डॉज रेट काफ़ी हाई हो जाता है, तो आपके अटैक्स में उतना डैमेज नहीं करेगा, तो इसके लिए लोकी, उसके बाद मून नाइट, उसके बाद केबल, उसके बाद मकारी, ऐसे कैरेक्टर्स को आपको यूज़ करने होंगे। अगर आपके पास है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको ये सारे कैरेक्टर्स बिल्ड करने होंगे, ठीक है। तो मैं यही बात बताना चाहता था कि अभी जो है इम्पोर्टेंट जो है वो कार्ड्स, और जितना हो सके उतना अच्छे से कार्ड्स को बिल्ड कर लो, मतलब कार्ड्स तैयार कर लो। अगर आपके कार्ड्स में कम से कम 2 या 4% का भी पियर्स आता है तो मज़ा आ जाएगा। कोशिश करना कि 3 ब्लू स्टार किसी तरीके से आपके कार्ड्स में आ जाए, चाहे नॉर्मल जब आप क्राफ्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आ जाए तो और भी अच्छा है, और अगर उस टाइम पे ना आए तो अगर बाद में भी आता है तो भी चलेगा, जैसे कि क्राफ्ट कॉम्बाइन करके। और अगर क्राफ्ट कॉम्बाइन का बात करते हो तो मैं यहाँ पे फटाक से दिखा देता हूँ। सपोज़ अगर मैं ये वाला कार्ड देखता हूँ, यहाँ पे मैं अगर क्राफ्ट कॉम्बाइन में जाता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम कार्ड दिखेंगे, क्योंकि क्राफ्ट कॉम्बाइन जब आप करोगे तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम कार्ड दिखेंगे। अगर मैं ये वाला कार्ड यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आते हैं कैंसिल सिलेक्शन और सिलेक्ट ऑप्शन, तो अगर आपने सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ कुछ स्टैट्स को आप फिक्स या लॉक कर सकते हो, जैसे कि मैं 1 2 3 4 5
सॉरी एक दो चार 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 स्टैट्स मैंने लॉक कर दिया, क्योंकि चार स्टैट्स में मेरा ब्लू स्टार आया है और मैं ब्लू स्टार्स को खोना नहीं चाहता था, तो इसलिए मैं ब्लू स्टार को लॉक कर दिया है। तो उसका कॉस्ट जो है आपको देख रहे हो 300 क्रिस्टल लग रहे हैं और साथ ही साथ कार्ड क्राफ्टिंग क्यूब लग रहे हैं। ओके, तो ये जैसे जैसे कि आप देख रहे हो कि 3 ब्लू स्टार इक्वल्स टू एडिशनल पियर्स डैमेज इंक्रीज, तो मैं ब्लू स्टार तो खोना नहीं चाहता तो इसलिए मैंने ब्लू स्टार्स को लॉक कर दिया। अब अगर क्राफ्ट कॉम्बाइन वाला ऑप्शन में मैं दबा देता हूँ तो बाकी के जो स्टार्स है, ब्लू स्टार चेंज नहीं होंगे लेकिन बाकी के जो स्टार्स है वो चेंज होकर कोई और ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कोल्ड रेसिस्ट है तो उसके बदले डॉज आ सकता है, रिकवरी रेट आ सकता है, पॉइजन रेसिस्ट आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे लाइटनिंग रेसिस्ट है तो यहाँ पे काउट कंट्रोल आ सकता है, इग्नोर डिफेंस आ सकता है, फिजिकल डिफेंस आ सकता है, और ये जो स्टार्स है इसका भी कलर चेंज हो सकता है। हो सके तो दोनों के दोनों ब्लू आ जाए ऑप्शन सही नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन सही आ जाए लेकिन कलर सही नहीं आए। मतलब सपोज अगर रेड वाला जो स्टार है इसमें डॉज आ जाता है लेकिन वो डॉज है वो ग्रीन आ जाता है, लेकिन ये वाला जो है इसमें ब्लू आता है, ब्लू स्टार, लेकिन उसके साथ साथ फायर रेसिस्ट आ जाता है। तो ऐसा चलता रहता है, इसमें आप कोई गारंटी नहीं है कि यही स्टैट्स आएगा वही आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो खैर मैं ये करने वाला हूँ नहीं, अभी तो नहीं करूँगा क्योंकि ये कार्ड मैंने ऑलरेडी क्राफ्ट करके रखा है तो मैं खोना तो नहीं चाहता हूँ। तो खैर इसी तरीके से आप इसको क्राफ्ट या क्राफ्ट कंबाइन के बारे में कर सकते हो। तो खैर मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बनाना चाहता, तो मैं वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। तो उम्मीद है मैं जितना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझे हो, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप और अब कमेंट सेक्शन में वो चीज़ पूछ सकते हो हमसे कि भाई ये कैसा करें वो कैसा करें, ठीक है, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करना मत भूलना। आप कमेंट सेक्शन में, जैसे कि मैंने बोला कि कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स भी जाहिर कर सकते हो, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर 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 सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बहुत ही करीब हूँ 1K सब्सक्राइबर के। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।